गुलबर्गा शहर के पायान रोड जलील कंपाउंड में मौजूद आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल में सलाद डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें 5th से 10th क्लास स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर काफी खूबसूरत अंदाज में वेजिटेबल और फ्रूट सलाद तैयार कर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल गुलबर्गा शहर में पिछले 30 साल से अपने खिदमत अंजाम दे रहा है और फिलहाल अब्दुल हासिब नुमान के मैनेजमेंट में इस स्कूल को चलाया जा रहा है। अब्दुल हासिब नुमान ने बताया, घर में माँ किस तरह अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में मेहनत करती है, इस चीज़ का एहसास दिलाने स्टूडेंट्स के बीच सलाद डे कंपटीशन रखा गया था। इस तरह के एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसको आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से अडॉप्ट कर स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन दिया जा रहा है। सलाद डे प्रोग्राम में आइडियल स्कूल चीफ ट्रस्टी अब्दुल रहीम मामूपुरी साहब, मैनेजिंग पार्टनर अब्दुल हासिब नुमान साहब के अलावा रिन्यूएड उर्दू पोएट डॉक्टर अकरम नक्काश साहब, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर कर्नाटक रत्न जनाब मुबीन रियाज साहब और दीगर कई लोग इस इवेंट में एज ए गेस्ट मौजूद थे। तमाम लोगों ने सलाद डे प्रोग्राम में स्टूडेंट्स की मेहनत को देख स्टूडेंट्स और इन्हें सपोर्ट करने वाले टीचर्स और पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश की है। मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम हुसैन दानिश है, मैं 9th क्लास में हूँ। सबसे पहले तो मैं चीफ ट्रस्टी सर का, मैनेजमेंट का और मेरे प्रिंसिपल मैम का, मेरे सारे टीचर्स का शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने फ्रूट सैलेड का कंपटीशन रखा और इस फ्रूट सैलेड से हमारे को ये मालूम चला कि हमारे मम्मी अब्बू हमारे लिए कितनी मेहनत करके खाना पकाते हैं, सबसे बड़ी चीज़। और हमारे पूरे स्कूल में पूरे मैनेजमेंट ने स्टडीज़ के साथ ये सब चीज़ें, ये सब एक्टिविटीज़ भी रखी बहुत ज़्यादा। मैं उसमें मैं फ्रूट्स और आइसक्रीम, केक, ये सब डाल के फ्रूट सैलेड विद आइसक्रीम एंड केक बनाया। इसका नाम क्या है? फ्रूट सैलेड विद आइसक्रीम एंड केक। गुलाम हुसैन दानिश। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सदा शिफा अंजुम, आई एम स्टडीइंग 7th स्टैंडर्ड ऑफ आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल। थैंक यू रोमान सर, आप कंपटीशन ये रखे सो टीचर्स, थैंक यू। दिस इज ए कैरेट, ककड़ी एंड टमाटो शलगम एंड मूली। अस्सलाम वालेकुम, आई एम निदा फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम आइडियल स्कूल। आई पार्टिसिपेट इन फ्रूट सैलेड, इसमें एप्पल है, प्रोमोग्रेनेट है, आइसक्रीम है, हर्शीज है, ग्रेप्स है, आइसक्रीम विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स, शी अ लॉट हेल्प मी इन मेकिंग दिस फ्रूट सैलेड। अस्सलामु अलैकुम, आई एम मुनज्जम अहरीन, आई एम स्टडी इन 6th स्टैंडर्ड, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन सैलेड कॉम्पिटिशन एंड टीचर्स हेल्प मी, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम, माई नेम इज़ अदीवा मई, आई एम स्टडी इन 6th स्टैंडर्ड, ऑल टीचर्स हेल्प मी एंड नोमान सर ऑल्सो गाइड अस। अस्सलामु अलैकुम, गुड इवनिंग टू ऑल, माई नेम इज़ फैसल अहमद, आई एम स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड फ्राम आइडियल स्कूल। टूडे इज सलाद कॉम्पिटिशन फ्राम, आई एम सो इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर माई डिश, वेरी ब्यूटीफुल, ओके थैंक यू। आज यहाँ आइडियल स्कूल में आकर मुझे बेइंतहा मसरत महसूस हो रही है, यहाँ के तालिब इल्मों की एक्टिविटीज़ और यहाँ का मैनेजमेंट का डिसिप्लिन और बच्चों की तालीम का मेयार और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का, ये सब तमाम चीज़ें देखकर बेइंतहा खुशी हो रही है कि आइडियल स्कूल पिछले 30 साल से चल रहा है, ये 30 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था और मैं देखकर बड़ी मसरत हो रही है मुझे कि मुसलसल 30 सालों से इस स्कूल तरक्की की राह पे गामजन है और बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और फैज़याब हो रहे हैं। मैं इसके लिए मैनेजमेंट को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी मेहनत और उनके हौसलों को, कि उन्होंने ऐसे आजकल के माहौल में तालीमी मैदान में जो लोग भी आते हैं बहुत जल्द स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं या कोई और सूरत इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन आइडियल स्कूल मुसलसल जारी सारी है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं उनकी इस कोशिश के लिए और मुस्तकिल मिजाजी के लिए उन्हें दिली मुबारकबाद देता हूँ। और आज यहाँ जो
स्टूडेंट्स के दरमियान सैलड कंपटीशन कंडक्ट किया गया है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के तौर पर, तो ये मुझे प्रिपरेशन देखने का मौका मिला। ये देखते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चे गैर मामूली क्रिएटिव टैलेंट के हामिल हैं और उनमें क्रिएटिव सलाहियत मौजूद है। इसके लिए मैं बच्चों के साथ साथ उनके टीचर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों को इस तरफ रागिब किया और तलखीन की इन चीज़ों की, और इस तरह इनक्रेजमेंट अगर मिलता रहे बच्चों को तो उनके क्रिएटिव जो टैलेंट है उसको जो है जिला मिलेगी और वो और तरक्की करते रहेंगे। मैं इस मौके पर मैनेजमेंट को, असातेज़ा को और तालिबे इल्मों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल पिछले 30 सालों से गुलबर्गा में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और नए मैनेजमेंट के अंडर हम थ्री पॉइंट प्रोग्राम लेकर के आए हैं। पहला ये कि वालिदैन की बच्चे जो है नाम रोशन करें। एजुकेशन का दूसरा मकसद जो हम लेकर के आए हैं वो जन्नत में ले जाने वाला हो, खुद बच्चे जन्नती बने और अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का ज़रिया बने। तीसरा वो देश के एक जिम्मेदार सिटीज़न और देश का नाम रोशन करने वाले बने। इन तीन पॉइंट प्रोग्राम के साथ आइडियल स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह नए मैनेजमेंट के अंडर में काम कर रहा है। आज का जो हमारा इवेंट है सैलड डे के नाम से, बच्चों के अंदर माँ जो कुर्बानी देती है पकाने के दौरान, जो वो तकलीफ़ उठाती है, बच्चों को उसका एहसास दिलाने के लिए हम लोगों ने ये सैलड डे का ऑर्गेनाइज़ किया है। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, एक नोबल वे, होलिस्टिक वे ऑफ एजुकेशन है जो इंटरनेशनल स्कूल्स अडॉप्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आइडियल स्कूल उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए हमारे तुलबा और तालिबात को एक नया मेयार देना चाहता है एजुकेशन लाइन के अंदर। इसके अलावा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का बहुत बड़ा किरदार है। अगर होलिस्टिक एजुकेशन होता है बच्चों के अंदर तो उनके अंदर जो है अच्छे किरदार भी होंगे, उनकी एजुकेशन भी अच्छा होगा और वो चल करके अपने आगे ज़िंदगी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे दुनिया के अंदर अपना सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर कोऑपरेटिंग एंड गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दिस एक्टिविटी। थैंक यू सो मच। आइडियल स्कूल मॉन्टेसरी से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिकग्नाइज है। अल्हम्दुलिल्लाह 425 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास ज़ेरे तालीम है। पिछले जब से नया मैनेजमेंट इसको चला रहा है हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 60 बच्चों की नूरानी कायदा तजवीद के साथ मुकम्मल करके कुरान पढ़ना शुरू किया है और 5 बच्चे हाफिज़ कुरान बनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किए हैं। इंग्लिश एजुकेशन हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। बच्चों को इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश, ये तीनों एस्पेक्ट में भरपूर तरीके से, बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। कन्नड़ा हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, हिंदी थर्ड, और ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर उर्दू एज ए सब्जेक्ट है। हमारे आज का जो कॉम्पिटिशन है इसके अंदर 60 प्लस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये अपने घरों से सामान, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ला करके टीचर्स की निगरानी में वो लोग सैलड बना रहे हैं और यहाँ पर कंपटीशन स्पिरिट बच्चों के अंदर पैदा हो उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये 5th स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स हैं। माशाल्लाह, इट इज़ वेरी नाइस मूवमेंट। आई अप्रिशिएट द मैनेजमेंट ऑफ आइडियल स्कूल, देयर स्टाफ एंड द न्यू टीम। दे आर टेकिंग अप वेरी न्यू इनोवेटिव extra curricular activities for the boys of this school. Since last year we are seeing they organize this salad competition so that the boys and girls should understand the needed material and pains in making these things. They easily get prepared by their family members, parents, and now they will realize. So I expect in next time there will be food stalls in on annual day, so that these food salads, fruit salads, food zone should be marketed. The theory behind this is so that the boys and girls should understand the economics, caste to caste, what caste is involved in preparing this,
and what benefit they are doing. I request the management to request the parents to buy it compulsorily, at least minimum of rupees 100 from one stall, so that the boys will be encouraged. I am really thankful for this invitation, and I appreciate Mr. Hasib Noman. He is putting new ideas. I will see better future for the student of this ideal school. Thank you, ma'am.